आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। मंदिर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, मतदान व मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था कर रहेगा पुख्ता इंतजाम। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर पार्किंग की समस्या पर हुई चर्चा। मरीजों के वाहनों की जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करवाने के दिए गए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के बीडीओ दुर्योधन का किया स्थानांतरण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक चलाया अतिक्रमण रोधी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, 41,500 रुपए का चालान काटकर सामानों को जब्त कर स्टोर में करवाया गया जमा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव को देखते हुए 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल मतदान की समाप्ति तक व 12 अप्रैल मतगणना वाले दिन को सभी प्रकार की शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर सभी से समर्थन देने का किया अनुरोध। जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन के निर्देश पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 1105 छात्र व छात्राओं में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क स्मार्टफोन का किया गया वितरण। छात्रों ने प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद। से 20 अप्रैल तक चलने वाले भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों को वितरित किया गया फल। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाया गया इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन, ताकि मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा दर दर। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश के 720 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा लैब क्रिएटिव के माध्यम से दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रदेश के 70,000 छात्र ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण। जल्द ही जिले के परिषदीय विद्यालय के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। जिला समन्वयक अधिकारी ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी का किया गया आयोजन। स्वयं एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाने का लिया गया संकल्प। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन योजना के तहत 70 से 75 गांव के लोगों को आपदा मित्र बनाकर किया जा रहा है प्रशिक्षित। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही की अध्यक्षता में डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नौकायन से निकाली साइकिल रैली, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। और मौसम ने बदला रुख, तपती धूप और उमस से परेशान हैं लोग। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, आवश्यकता अनुसार ही निकले घरों से बाहर। छाता टोपी तथा गमछे का करें इस्तेमाल, ताकि बच सके तेज धूप से।